जसवीर जी, पिछले 5 साल जो डबल इंजन की सरकार रही, किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया? सरकार का कहना है किसान की आमदनी डबल कर दी, मेरी बात सुनिए, और 15 दिन में पेमेंट चालू कर दी है, और जो बकाया भी किसी का था 18% ब्याज के साथ वापस करे, कितनी सच्चाई है इस बात में? ब्याज के मूल भी नहीं आया सही मायने में तो। अच्छा ठीक है, 14 दिन की जगह 18 में 15 में 20 में आ जाएगा, बाकी और तो काम सारे गड़बड़ी गड़बड़ है। जा किसी अधिकारी का जोर चले जो साइन करेगा तो पहले पैसे खा 100 रुपये मारे फोटो स्टेट में फलाने में ढिमके में लग गए। तो इस पे आपका कहने मतलब है जनता भ्रष्टाचार से दुखी है। खुद परेशान। तो इस बार जनता ने क्या मन बनाया है? जनता ने तो बनाया सरकार बदल ले। इस बार सरकार बदल दे। हाँ, आम जनता सरकार बदलेगी इस बार? आम ही बदलेगी, और हमारे दुआ छूते तो बदली नहीं जाएगी। हाँ, पैसे से नहीं बदली जाएगी, लेकिन वोट की चोट से बदल देंगे। हाँ, वोट तो ही। तो इस बार पक्का मन बना लिया? पक्का। सरकार का कहना है कि किसान की आमदनी डबल कर दी है, गन्ना पेमेंट 15 दिन में कर दी है, और जो बकाया पेमेंट है उसको 18% ब्याज के साथ किसानों के खाते में दिया जा रहा है, कितनी सच्चाई की बात है? ये जो है सब भाजपा की जुमलेबाजी है जी। ना यहाँ कोई विकास हुआ, ना कोई परियोजना लागू करी गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर 325 रुपये हमारा रेट बढ़ा, उसका आधा लगा लो, क्यों महंगाई ज्यादा बढ़ी, बेरोजगारी युवा है बेरोजगार रहे, कोई नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में कोई फैक्ट्री, जितने वादे यहाँ किए थे कैंडिडेट 5 साल में जो है भाजपा का यहाँ कैंडिडेट किसी भी गांव में क्षेत्र में कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता मैं भाजपा का कैंडिडेट 5 साल के अंदर गाँव में देखा। अच्छा, बात करें विकास कार्यों की और विधायक की, पिछले 5 सालों में विधायक का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके गांव के साथ? हमारे गांव के साथ नहीं, पूरे क्षेत्र में किसी भी गांव में अगर ये क्यों कहते हैं 5 साल के अंदर विधायक क्षेत्र में घूमा आया या गांव किसी का जो है कोई भी निजी काम या पर्सनल काम कोई नहीं करा। सरकार को जब पता लगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने देश के गृह मंत्री को किसानों के बीच उतार दिया, सिर्फ जाटू को बहलाने के लिए। जो है हमारे पीएम साहब भी ये कह रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री भी, कि मैं तो लस्सी पी जाटो के यहाँ। अरे जाट तो उन्होंने जाने ही नहीं पास जो है, जब सही 7 साल धरने में देखो आप भी, किस वादे पर उन्होंने जो है कृषि कानून लाए थे, फिर ये नहीं बता के हम इसे वापसी इस मुद्दे पर करिए। तो ये किसान आंदोलन इस चुनाव में मुद्दा रहने वाला है? हाँ, तगड़ा मुद्दा किसानों का है, बहुत ज्यादा है, सर्वे समाज का है, गरीब भी पिस गया, इसमें बेरोजगार है ये खड़े, ये जैसा नौयुवक भी है गाँव में गरीब भी है, बेरोजगार हो गए कोई कोरोना के उसमें बताकर जो है देख ना, जिस गले से क्या पूर्ति हो रही बताओ आप ही, ईमानदार मीडिया वाले हो, इस गले से नहीं पूर्ति होगी, कुछ करने से होगी, विकास करते नौकरी देते युवाओं को लगाते तो अपने आप ही एक ले रहे के बुलडोजर से खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा, सरकार का ये एक आवाज़ है कि पलायन, क्या पलायन मुद्दा रहेगा इसमें चुनाव में? कोई पलायन का मुद्दा नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी थी, हमारे यहाँ बाबू हुकम सिंह थे, उन्होंने ये दंगे की नींव रखी थी यहाँ पे, जो मुजफ्फरनगर का था, यहाँ हमारी गठवाड़ी की पंचायत करके अपनी बिरादरी के रोक लिए थे, इनके गले में जो है झुट्टी हाकार करवा कर यू पलायन का मुद्दा हुकम सिंह ने बना था, बाबू जी ने नहीं, यहाँ सर्व समाज एक रहा, हिंदू मुसलमान जाट एक रहे हमेशा, आज भी एक है।